आठ बहुत बड़ी खबरें जो कि दोस्तों निकल के आई हैं क्रिकेट जगत से। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से निकली टॉप बहुत बड़ी आठ खबरों की, जहां पर दोस्तों विराट कोहली से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट देने वाले हैं। वहीं दोस्तों आईपीएल में 94 गेम होने वाले हैं, उसके बारे में भी आज की वीडियो में आपको इत्तला करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, तो इत्मीनान से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्कंद पाठक, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल क्रिकेट टॉक शो टीवी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो इस लिस्ट में निकल के आती है वो है जनाब आईपीएल 2024 को लेकर, जहां पर दोस्तों आईपीएल 2022 इस सीजन जो आईपीएल होने वाला है वो काफी अलग तरीके से होने वाला है, जहां पर टीमों को दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा और फिर वो मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सन 2024 में आईपीएल में 94 मुकाबले होंगे और वैसे ही मुकाबले होते हुए दिखेंगे जैसे कि अब तक आपको आईपीएल में होते हुए दिखे। सिर्फ 22 और 23 तक आपको ये दो ग्रुप वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद सन 2024 से आपको वही हमारा पुराना आईपीएल पहले की तरह होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अब जो अगली न्यूज निकल के आती है और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आती है वो निकल के आती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लेयर पर अभी भी प्रॉपर सर्टेनिटी नहीं आई है कि वो प्रॉपर पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल भी होने वाले हैं या फिर नहीं। सुनने में आया है इंग्लैंड के कुछ प्लेयर लीग स्टेजेस के मैचेस मिस करेंगे। वहीं दोस्तों सुनने में ये भी आया कि जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है वो मिस करेंगे नॉकआउट के कुछ मुकाबले। अब दोस्तों ऐसे में अभी बीसीसीआई ने बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं दिखाई है और मेगा ऑक्शन की जो सारी लिस्ट जो कन्फर्म लिस्ट है वो निकल के आ चुकी है, जहां पर जो जितने भी प्लेयर शामिल होने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन में वो शामिल हो चुके हैं और फाइनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है, कट ऑफ भी हो चुकी है प्लेयरों की। अब ऐसे में दोस्तों अभी भी वो सर्टेनिटी नहीं आई है खिलाड़ी कब तक के लिए रुकेगा या कब चला जाएगा। नेशनल ड्यूटीज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लेयर कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं आईपीएल के, लेकिन अभी प्रॉपर खबर ये निकल के नहीं आई है कि कौन सी टीम से कौन सा खिलाड़ी कब अनअवेलेबल होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली जो हम न्यूज की तरफ चले वो निकल के आई है दोस्तों विराट कोहली की तरफ से। दोस्तों विराट कोहली अपना 100वां मुकाबला खेलने जा रहे हैं मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के विरुद्ध, जहां पर दोस्तों श्रीलंका जो आने वाली है टेस्ट सीरीज के लिए वहां पर यह मुकाबला हुआ। इसमें दोस्तों आपको एक न्यूज और ऐड कर दूं कि श्रीलंका के जो बीच सीरीज होगी यहीं पर आपको बैंगलोर में एक पिंक बॉल टेस्ट मैच होते हुए भी जरूर से दिख जाएगा। अब दोस्तों हम अगली खबर की तरफ चले और दोस्तों अगली खबर आप निकल के आ रही है कि भारतीय ओडीआई टीम के खिलाड़ियों के पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब दोस्तों जो पहला ओडीआई मुकाबला है वो डाउटफुल हो सकता है। अभी श्योरिटी बिल्कुल नहीं हुई है, कंफर्म अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि जो है पहला मुकाबला हो सकता है डाउटफुल हो जाए, हो सकता है पहला मुकाबला हमें कैंसिल होता हुआ दिखे। अब दोस्तों अगली न्यूज की तरफ चले तो दोस्तों मयंक अग्रवाल को ओडीआई के स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है, जहां पर दोस्तों मयंक अग्रवाल 3 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद प्रैक्टिस सेशन या फिर आप कह सकते हैं प्लेइंग 11 के लिए भी मौजूद हो जाएंगे टीम सिलेक्शन के लिए। इसके बाद दोस्तों हम अगली खबर की तरफ चले दोस्तों, अगली खबर अब निकल के आती है हमारे पास आईपीएल के लीग स्टेज मैचेस का जो शेड्यूल है वो दोस्तों जारी हो चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो आईपीएल का लीग स्टेजेस के मैचेस होंगे वो होंगे दोस्तों मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में, यहाँ पर दोस्तों आपको लीग स्टेजेस के मैचेस होते हुए देखेंगे। वहीं दोस्तों बात करें हम नॉकआउट्स की, दोस्तों नॉकआउट्स के मुकाबले आपको अहमदाबाद में होते हुए जरूर से नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम अगली न्यूज की तरफ चले दोस्तों, वो न्यूज निकल के अक्षर पटेल की तरफ से। दोस्तों अक्षर पटेल को T20 स्क्वाड में ऐड कर लिया गया था, लेकिन दोस्तों अब न्यूज निकल के आ रही है कि स्क्वाड में ऐड होने से पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और हो सकता है वो T20 के दौरे से भी बाहर हो जाए। दोस्तों ओडीआई में पहले से ही अक्षर पटेल नहीं है क्योंकि अभी उनकी रिकवरी जारी थी, ऐसे में दोस्तों कोरोना पॉजिटिव भी हो चुके हैं अक्षर पटेल। अब दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है कि अक्षर पटेल को T20 की टीम में भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा और उनकी भी रिप्लेसमेंट हमें मंगानी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अब जो आखिरी खबर निकल के आती है इस लिस्ट में और आप कह सकते हैं काफी अच्छी खबर है, आपको लगे तो आप बताना, केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल फर्स्ट ओडीआई में क्यों अवेलेबल रहने वाले हैं, इसका खुलासा हो गया है।
दोस्तों केएल राहुल की जो सिस्टर है उनकी वेडिंग अटेंड करने जाएंगे केएल राहुल, तो इस वजह से केएल राहुल अपने पहले ओडीआई मुकाबले में अनअवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल घोषित किया। अब दोस्तों यह थे वो 8 प्रॉपर न्यूज, अब दोस्तों यह थी वो 8 प्रॉपर न्यूज जो मैंने आज आपको दी। अब आपके हिसाब से आपको कौन सी न्यूज सबसे बेस्ट लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि मयंक अग्रवाल को शामिल करके बीसीसीआई ने सही किया या फिर कोई और खिलाड़ी इनसे ज्यादा डिजर्व करता था, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही था आज की छोटी सी वीडियो में, अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।